दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे अहमद शाह अब्दाली और मीर नूरी नसीर खान के इख्तलाफात के बारे में। उनके इख्तलाफात ऐसे आखिर क्या थी जो इस कदर बड़ी आपस में एक दूसरे के साथ गुतम गुता हो गए हैं। दोस्तों अहमद शाह अब्दाली के साथ मीर नसीर खान की मुखालिफत की तीन वजूहत थी। पहली वजह ये थी कि मीर मोहब्बत खान के कमजोर अहद हुकूमत में जब बलूचिस्तान पर नादिर शाह ईरान और अहमद शाह अब्दाली अफगान बतौर इक्तदार आला कब्जा हुआ तो खान बलोच को अफगानी बाशिंदों और अफगानिस्तान को जाने वाले कारवानों की इलाके में से होकर गुजरते हिफाजत का जिम्मेदार ठहराया गया। फिर मीर मोहब्बत खान चूँकि एक कमजोर और आफियत कोश हुक्मरान था, इसलिए अफगानी रियाया और अफगान ताजिर बलोचों के साथ अपने अपने मामूली तनाजात के लिए खान से बड़ी बड़ी रकमें बतौर एवजाना वसूल कर लिया करते थे और इस तरह अफगानों को इस नाजायज तरीके पर हुसूल जर की लत लग गई थी। चुनाचे मीर नसीर खान के इब्तदाई अहद हुकूमत में भी कुछ वक़्त तक अफगानों का यही तरीका रहा। आखुंद मोहम्मद सिद्दीक लिखता है कि अफगानों ने इस सिलसिले में मीर नसीर खान को यहाँ तक तंग किया कि अगर बलूचिस्तान के किसी हिस्से में इनका कोई आदमी अपनी मौत मरता तो भी इसकी लाश को खान के दरवाजे पर ले आते और बड़ी शोखी चश्मी से ये कहकर कि खान से इसकी दियत का मुतालबा करते इसे बलोचों ने लूटा और कत्ल किया। खान मजबूर था इनको दियत और रोजाना माल दे दे। इसके अलावा मामूली बातों पर शाह अफगान के मवासिल शिकायतों के तौर पर तौर मार लेकर मीर नसीर खान के पास पहुँच जाते और बात बात पर जवाब तलबिया होती जिसे मीर नसीर खान अपनी तौहीन समझता था। दूसरी वजह यह थी कि मीर नसीर खान एक रोशन दिमाग आजाद मंश और गयूर बलोच था और अपनी हिम्मत और हौसला के मुताबिक एशिया में बलोचों की एक आजाद हुकूमत कायम करना चाहता था। अहमद शाह अब्दाली का बाजगुजार होकर रहना इसे पसंद नहीं था, इसलिए मीर मोहब्बत खान ने अहमद शाह अब्दाली को जो सालाना 20,000 रुपए बतौर खराज 1,000 नफर सान और जंगी जरूरियात के लिए गामे लश्कर देना मंजूर कर लिया था। मीर नसीर खान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था बल्कि वो इसे बलोच कौम की तोहीन ख्याल करता। तीसरी वजह ये थी कि मकरान के मुहिम पर अहमद शाह अब्दाली ने मीर नसीर खान के साथ जो हितक आमेज सलूक किया था, इससे मीर नसीर खान और इसके कबायली सरदार नाराज होकर अहमद शाह अब्दाली की मुखालिफत पर मुतहद हो गए थे। इन वजूहात की बिना पर 1758 ईस्वी में जब मीर हाजी खान और बहादुर खान शाहवानी इसका कू से भाग कर अहमद शाह के पास कंधार पहुँचे और मीर नसीर खान के खिलाफ शिकायत की तो अहमद शाह अब्दाली ने इस बारे में मीर नसीर खान से जवाब तलब। मीर नसीर खान ने जवाबदही करने से साफ इनकार करते हुए अहमद शाह अब्दाली को लिखा कि आइंदा के लिए बलोचों के अंदरूनी मामलात में दखल देने से इज्तनाब करें और बलोचों के साथ अपने गुज़िश्ता ताल्लुकात को मुनक़ता समझें। अहमद शाह अब्दाली के कलात पर हमला। अहमद शाह अब्दाली को मीर नसीर खान के इस जवाब से सख्त तैश आ गया। चुनाचा इसी साल यानी 1758 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने अफगानों के एक जर्रार लश्कर के साथ हल्ला बोल दिया। खारान से मीर शाहिद खान नौशेरवानी भी अपने कबायली लश्कर के साथ आकर अहमद शाह अब्दाली के साथ मिल गया। मीर नसीर खान ने भी अब बहादुर कबायली दस्तों को तरतीब देकर इनके मुकाबले को आगे बढ़ा। मस्तूम के नवाही में दोनों लश्कर सफ आरा हुए। पहले दिन की लड़ाई में बलोचों ने अहमद शाह के ठंडी दिल लश्कर को किसी हद तक पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन दूसरे दिन की लड़ाई में अफगानों को कसीर तादाद की वजह से पेशकदमी हासिल हो गई। बलोच सुरमा मैदान में डटकर लड़े, आने वाहिद में कुश्तों के पुश्ते लग गए और मैदान जंग जहन्नुम का समा पेश करने लगा। बेजान बहादुरों की लाशों को घोड़ों के ठापों को रौंदते हुए अहमद शाही लश्कर के गोल
उमड़ उमड़ कर आते मगर मुंह की खाकर पीछे हटने पर मजबूर हो जाते। दोपहर तक जंग की हालत यकसा रही, लेकिन बाद दोपहर अफगानों का गलबा बढ़ता गया और बलोचों के कदम उखड़ते गए। यहाँ तक कि अपने खून से शराबूर होकर बलोची लश्कर रात की तारीखी से फायदा उठाकर मुंगीचर की तरफ पसपा हो गया। तीसरे दिन अपने बहादुर खान की कमान में मुंगीचर के मकाम पर बलोच फिर सफारा हुए। मारके का रन पड़ा, फरीकियां ने शुजात के जोहर दिखलाए, लेकिन बलोची लश्कर ज्यादा देर तक मुकाबले पर जम न सका। आखिरकार कई लाशें मैदान में छोड़कर बलोच कलात की तरफ पसपा हुए। अहमद शाह अपनी फौज जफर मौज के साथ कलात की तरफ बढ़ने लगा। मीर नसीर खान अब अपने बचे कुचे लश्कर के साथ कलात के किलों में महसूर हो गया। अहमद शाह अब्दाली के सिपाही ने कलात के गिर्द मुहासरा डाल दिया। 40 दिन तक अहमद शाह ने कलात का मुहासरा जारी रखा। इस दौरान में अहमद शाह अब्दाली ने कलात को सर करने के लिए 3 मरतबा बड़े पैमाने पर हमले किए, लेकिन बकोले अल्फनिस्टन हर बार बलोचों के मर्दाना वार मुदाफ़त और मुकाबले से शदीद नुकसान उठाकर पीछे हटने पर मजबूर हुआ। अहमद शाह ने कई और जतन किए, लेकिन आखिर तक किले को फतह करने में कामयाब न हो सका। सुलहनामा। जब अहमद शाह अब्दाली की तमाम कोशिशें कलात के किले को फतह करने में रायगा गईं, तब आजिज आकर मुसालहत कारों को बीच में पड़ने का इशारा किया। चुनाचे शाह वली खान बामीजई और आखुंद मोहम्मद हयात के बाहमी मसलहत से सुलह की गुफ्तगू शुरू हुई और आखिरकार एक तहरीरी मुआहदे की सूरत में मंदरजा झेल शराइत पर फरीके ने सुलहनामे पर दस्तखत किए। खान बलोच शाह अफगान को कोई खराज नहीं दिया करेगा। दूसरा, खान बलोच आइंदा सान लश्कर नहीं देख। नंबर 3, अलबत्ता जब कभी शाह अफगानिस्तान को अपनी हुकूमत से बाहर लड़ाई लड़नी पड़े तो खान बलोच एक दस्ते लश्कर इमदाद उसको दिया करेगा। इस इमदाद के एवज में शाह अफगानिस्तान खान बलोच को एक मुकर्रर नक बारूद वगैरह और असलाह जंग दिया करेगा। शाह अफगानिस्तान खान बलोच के मुल्की मामलात में दखल अंदाज नहीं होगा। 6, खान बलोच के जो इलाके इस वक्त शाह अफगानिस्तान के कब्जे में आ चुके हैं वो खान बलोच को वापस कर दिए जाएंगे। तो ये शरायत थी जो अहमद शाह अब्दाली और नूरी नसीर खान के दरमियान हुए, जिसके बाद अहमद शाह अब्दाली अपना लश्कर लेकर वापस अफगानिस्तान की तरफ चला गया। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। कैसा लगा अपने कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।